दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज चैनल पर। आज मैं आपके सामने पिछले सप्ताह जो मैंने एक आपको खबर दिखाई थी, सिद्धार्थ विद्यालय की एक खबर बताई थी, जिस खबर के आधार पर पूरे गोंदिया जिले में एक जो माध्यमिक विभाग होता है, जो माध्यमिक विभाग शिक्षा विभाग का यह विभाग है, और जितनी भी प्राइवेट जो स्कूलें हैं, जो प्राइवेट स्कूलें सरकार की ओर से अनुदान पर चलने वाली स्कूलें होती है, जिन्हें सरकार पैसा देकर चलाती है, ऐसी स्कूलों का एक बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा का भर्ती का जो एक घोटाला है वो उजागर हुआ है। उसी की पड़ताल पर हम आज आपके सामने एक छोटी एक खबर और एक आपको पेश कर रहे हैं। खबर दिखाने का मकसद यह है कि किस तरीके से जो माध्यमिक विभाग के शिक्षण अधिकारी होते हैं वो किस तरीके से घोटाले को, स्कैम को अंजाम देते हैं, उस पर हमारी यह एक विशेष खबर है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर यह जो शिक्षा का घोटाला क्यों हुआ और कैसे हुआ। लगभग जो एक पहले जो शिक्षा का जो घोटाला हुआ है, यह घोटाले में सबसे पहले महत्वपूर्ण यह जो एक लेटर है मेरे हाथ में है, मेरे सामने रखा हुआ है, मैं इसका एक संदर्भ आपको पढ़कर बताता हूँ। यह लगभग महाराष्ट्र सरकार का लेटर है, महाराष्ट्र सरकार के शालेय शिक्षण एवं क्रीड़ा विभाग की ओर से यह मुंबई के मंत्रालय से लेटर निकला हुआ था। इसका संकीर्ण 302/18 यानी 2018 को यह लेटर निकला था, 6/9/2018 को यह लेटर जो दिया गया था। यह भवभूति शिक्षण संस्था जो केशवराव मानकर की संस्था कहलाई जाती है, यह वो संस्था को लेटर दिया गया था। जैसा कि अभी आप जो ये जो मेरे हाथ में लेटर है, यह भी आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस लेटर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि संस्कृत विषय जो महाराष्ट्र सरकार अपने स्कूल कॉलेज में जो संस्कृत का विषय होता है उसके लिए इन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों का मांग की हुई थी, और उसी मांग के आधार पर यह जो लेटर है यह निकला हुआ था। और ये जो सदा माने करके है, यह अव्वल सचिव है महाराष्ट्र शासन के, जैसा आप उनके हस्ताक्षर उस लेटर पर देख रहे हैं, यह लेटर ही इस पूरे भ्रष्टाचार की मूल एक जड़ होती है, जो सबसे बड़ी इस भ्रष्टाचार के एक रैकेट को पनपने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवार यह जो लेटर है, यह लेटर ही उस जड़ की सबसे बड़ी वजह है। जैसा कि दर्शकों मैं आपको भी बता रहा था कि ये जो शिक्षा का जो घोटाला हुआ है, यह बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, और इसी की पड़ताल करने के लिए हम लोग एक जो स्कूल है गोंदिया जिले के कोसमतुंडी ग्राम में यह स्कूल है, लगभग यहाँ कोसमतुंडी ग्राम में जो स्कूल है, यह स्कूल में कुमारी ममता जगताप अम्बुले, जगतलाल अम्बुले और श्री महेश बडोले, यह दो जो शिक्षक होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, उनका चयन किया गया था। जो ममता अम्बुले है उसे बीए इंग्रेजी के लिए उन्होंने नियुक्त किया था, और जो बडोले करके, महेश बडोले करके जो अध्यापक है, उसे गणित विषय के लिए उस स्कूल में नियुक्त किया गया है। यह जो अभी आप जो स्क्रीन पर जो स्कूल देख रहे हैं, यह फूलीचंद भगत विद्यालय कोसमतुंडी है, और यह सड़क अर्जुनी तहसील के तहत आने वाली गोंदिया जिले की स्कूल है। इस स्कूल की खासियत मैं आपको बता दूं कि यह स्कूल जो है, जैसा कि अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं, यह स्कूल की जो संस्था संचालित करने वाली जो संस्था है उसको भी ISO सर्टिफाइड किया गया हुआ है। साथ ही साथ अभी आप देख रहे हैं कि यह जो स्कूल है इसकी संस्था के साथ में यह स्कूल को भी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। जैसा कि अभी आपको एक जो अभी आप वीडियो पर देख रहे हैं, यह वीडियो में यह स्कूल को एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से सम्मान भी मिला हुआ है, और यह काफ़ी एक अच्छी स्कूल के तौर पर है। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि हम जब इस स्कूल की पड़ताल करने जब पहुंचे, तो हमने यह पड़ताल के तौर पर हमारी जो चैनल की टीम वो स्कूल में पहुंची, तो वहाँ
कि जितने भी शिक्षा कर्मी जो अध्यापक है प्रिंसिपल है इन सारे लोगों से हमारी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद उन्होंने हमें सिर्फ एक निवेदन किया हुआ था कि ये जो सारी जो आपको हम बातें अभी जो आपको बता रहे हैं कैमरे में जो आपको बता रहे हैं यह बातें कृपा करके या प्लीज हमें यह बातें जो है वह आप हमारे अपने न्यूज़ में ना दिखाएं, क्योंकि हमारी जो सेवा है हमारी जो यहाँ जो नौकरी है इस पर एक मुसीबत भी आ सकती है। ऐसा ही मामला जब हमने बच्चों की जब स्कूल की छुट्टी हो रही थी और छुट्टी होने के बाद हमने बच्चों से पूछा कि भाई ये स्कूल में जो आपके यहाँ जो अध्यापक आए हुए हैं वह अध्यापक कितने दिनों से कार्यरत है, क्योंकि जो ममता अंबुले करके जो अंग्रेजी इंग्लिश की जो अध्यापिका है और जो महेश बडोले है इनका स्कूल में जो सरकारी रिकॉर्ड जो बनाया गया है वो 25/6/2016 से कार्यरत बताया गया है। लेकिन जब हमने बच्चों से इस बारे में जानकारी ली तो 4 जनवरी 2021 को ही वह यह स्कूल में नियुक्त हुए हैं और 4 जनवरी 2021 से ही यह अपने स्कूल में अध्ययन का काम कर रहे हैं, ऐसा हमें बच्चों ने भी बताया है। बच्चों का भी स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। फिलहाल हम आपको बच्चों का स्टेटमेंट इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि बच्चों का जो भविष्य होता है अगर बच्चों ने इस तरीके का रिकॉर्ड एक चैनल को दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं संस्था उन बच्चों से यह जो पूरे स्कैम में उन्होंने जो अपना बयान दिया हुआ है वह उसके आधार पर उन बच्चों के साथ शिक्षा को लेकर कुछ गड़बड़ियां भी हो सकती है। इसी वजह से हमने हमारे दर्शकों को स्कूल के बच्चों के स्टेटमेंट और जो अध्यापक है उस स्कूल में पुराने जो अध्यापक है उनके स्टेटमेंट हम नहीं दिखा रहे हैं। हम आपको अभी केवल यह स्कूल दिखा रहे हैं। यह स्कूल में और क्या हुआ है यह भी हम आपको बता देते हैं। जैसा कि यह जो आपको अभी जो स्कूल देख रहे हैं इसी स्कूल में हमारी जब चैनल की टीम पहुंची तो उस समय ममता अंबुले जो अंग्रेजी की जो इंग्लिश पढ़ाने वाली जो अध्यापिका थी वह मौजूद थी, लेकिन जो महेश बडोले हैं यह उस स्कूल में नदादत थे। मैंने जब वहाँ के जो प्रिंसिपल है मुख्याध्यापक है उनसे जब मैंने चर्चा की तो मैंने उनसे सबसे पहला सवाल किया था कि महेश बडोले का कोई आपके पास कोई अर्ज वगैरह आया है या कोई आपके पास उनकी कोई चिट्ठी है कि जो आज उनकी छुट्टी इस स्कूल में रखी गई है, तो उन्होंने इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया और उन्होंने कहा कि भाई आज वो मुख्याध्यापक जो है अध्यापक जो है वो आज स्कूल में नहीं आए हुए हैं। लेकिन जब हमने अंबुले मैडम से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने भी हमें यह बताया कि वह 4 जनवरी 2021 से ही इस स्कूल में अध्यापक के लिए बच्चों को शिक्षा देने के लिए ज्वाइंट हुई है। लगभग यह जो सारा जो मामला है यह कहीं ना कहीं पूरा तरीके से एक बड़े पैमाने पर स्कैम को लिपापोती का मामला है। जैसा अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह जो है मांढरे करके पूर्व शिक्षण अधिकारी है, यह अगस्त माह के 31 तारीख को 2020 को शिक्षा विभाग के शिक्षणाधिकारी पद से रिटायर हो चुके हैं। यह जो सारा मामला है यह इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है ऐसी भी जानकारी हमारे पास इन्होंने ही हमें एक फोन हमने जब इनसे संपर्क किया था तो इन्होंने हमें पूरी जानकारी बताई थी कि आखिर यह शिक्षा का किस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया गया है। अभी जो आप एक लेटर देख रहे हैं यह सिद्धार्थ मागासवर्गीय शिक्षण संस्था दौनीवाड़ा का लेटर है और जो मैंने आपको पिछले सप्ताह जो खबर बताई थी दौनीवाड़ा की जहां गंगाझरी पुलिस थाने में एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें वहां के पीआई जो है थाना प्रभारी जो है कोड़ापे साहब वो इस पूरे मामले पर लगभग जांच कर रहे थे। जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक जो लेटर है वो लेटर के आधार पर ही यह सारी नियुक्तियाँ हुई है और जैसा कि यह जो भी आपको लेटर हम जो दिखा रहे हैं यह लगभग महाराष्ट्र गवर्नमेंट का संकीर्ण 188/18 का लेटर है जो 11 अक्टूबर 2018 को जारी हुआ था। यह सिद्धार्थ विद्यालय को लेटर दिया गया था और इसी लेटर के आधार पर सिद्धार्थ विद्यालय में भी बड़े पैमाने पर शिक्षा की जो भर्ती का जो घोटाला है अध्यापकों की भर्ती का घोटाला है उसको अंजाम दिया गया था। लेकिन जब यह सारे पूरे मामले पर जब पुलिस विभाग ने जब कुछ कागज शिक्षणाधिकारी से मांगे तो शिक्षणाधिकारी जो माध्यमिक विभाग के शिक्षणाधिकारी कछुए करके जो है उन्होंने क्या दिया है लेटर में, जो अभी आप लेटर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस लेटर में साफ तौर पर बताया गया है कि यह जो लेटर है यह लेटर हमारे यहाँ आया ही नहीं है, यानी शिक्षा विभाग में लेटर कोई भी आए नहीं है।
डायरेक्ट संस्थाओं को लेटर माननीय जो माने करके है, जो प्रधान अपर सचिव के पद पर है, उन्होंने यह लेटर दिए हैं और उन्हीं लेटर के आधार पर हमने यह सारी नियुक्तियां दी गई है। अच्छा, गौर कीजिएगा, यह जो अभी आप जो स्क्रीन पर लेटर देख रहे हैं, यह माननीय पुलिस निरीक्षक पुलिस स्टेशन गंगाझरी को दिया गया हुआ लेटर है। इस लेटर में जो तीन लेटरों का उल्लेख किया गया है, उसमें आप अगर देखेंगे तो पहला लेटर का जो संकीर्ण लिखा है, यानी जो इनवर्ड नंबर है, वह दूसरे भी लेटर का सेम है और तीसरे लेटर का भी सेम है। जैसा कि पहला जो लेटर जो जारी हुआ था, माननीय अपर सचिव शालेय शिक्षण क्रीड़ा महाराष्ट्र विभाग शासन मंत्रालय मुंबई, इनका जो लेटर है वह संकीर्ण जो दिया गया है 194/2018। ठीक उसी प्रकार से जो दो नंबर का लेटर है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो संकीर्ण क्रमांक 194/2018, और जो तीसरा लेटर जो इन्होंने बताया है उसमें भी यह संकीर्ण एक जैसा ही लिखा हुआ है। यानी एक ही लेटर के आधार पर देखा जाए तो एक ही लेटर के आधार पर तीनों स्कूलों में यह बड़े पैमाने पर शिक्षा का घोटाला हुआ है, ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन जो माध्यमिक के जो शिक्षणाधिकारी हैं कछुए करके, इन्होंने वो जो लेटर की पड़ताल न करते हुए जिस तरीके से ये फाइलें शिक्षा विभाग से लगभग नागपुर के उप आयुक्त के यहाँ तक के ये सारी जो फाइलें आई हैं, ये सारी फाइलें फर्जी और एक बड़े धोखाधड़ी के मामले को अंजाम देने वाली फाइलें हैं। जैसा अभी आप जो लेटर जो देख रहे थे, यह लेटर पर साफ तौर पर कछवाहे ने लिखा हुआ है कि यह उनके यहाँ किसी भी प्रकार के लेटर की एंट्री या इनवर्ड वगैरह में कहीं भी आई हुई नहीं है। अभी हम बात करते हैं जो सिद्धार्थ विद्यालय है। जैसा कि सिद्धार्थ विद्यालय का जो लेटर मैंने बताया आपको कि जिस मामले की पुलिस जांच कर रही है और जिसमें कछवाहे करके जो शिक्षण अधिकारी है, इन्होंने जिस तरीके से बताया है कि यह जो लेटर है, यह लेटर उनके पास आया ही नहीं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो मैं आपको सिद्धार्थ विद्यालय का जो लेटर, जो सिद्धार्थ विद्यालय को शिक्षणाधिकारी के माध्यम से दिया गया हुआ लेटर है, यह लेटर पर माने जो है इनके हस्ताक्षर किए हुए हैं, लेकिन इसका जो संकीर्ण है 188/2018। यानी जिस लेटर का यह उल्लेख कर रहे हैं वह लेटर जो पुलिस विभाग जांच में देख रही है, और जो शालेय जो सिद्धार्थ विद्यालय को जो लेटर दिया गया है माने साहब की तरफ से, उसका और इसका संकीर्ण अलग अलग है। लेकिन यह कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्कैम को एक अंजाम देने के हिसाब से ही यह सारा मामला बना हुआ है। जैसा कि मैंने अभी आपको, आप अभी जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह कुमारी जो ममता जगतलाल अंबुले जो फुलीचंद भगत विद्यालय कोसमतोड़ी में कार्यरत है, यह उसका जो कार्यकाल दिखाया गया है इस लेटर में, वह कार्यकाल दिखाया है 25/6/2016। लेकिन जब उसको नियुक्तियों का एक, अभी आप जो लेटर देख रहे हैं यह है वह नियुक्तियों का लेटर, जिसमें सरकार का यानी महाराष्ट्र का जो माध्यमिक विभाग है, जो गोंदिया जिले जिला परिषद में माध्यमिक विभाग है शालेय विभाग की ओर से, उसने जो लेटर आदेश जो दिया है, उस लेटर आदेश पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो यह लगभग 2019 यानी 17 में भी उन्होंने एक लेटर दिया है, जिसमें 17/1/2000 का प्रस्ताव उनका दिया है, 10/7/2019 का एक प्रस्ताव दिया है। यह दोनों प्रस्तावों में जिन लोगों का अभी आप जैसा इस लेटर में नाम देख रहे हैं, कुमारी ममता जगतलाल अंबुले और महेश बडोले, यह दोनों जो अध्यापक इस स्कूल में जो कार्यरत है, इनकी जगह हमारी जो जांच की टीम ने जब पूरे कागज खंगाले तो उसमें यह साफ तौर पर सामने आया कि जो स्कूलों ने पहले जो प्रस्ताव भिजवाए थे, जो अध्यापकों के लिए उन्हें आवश्यकताओं के प्रस्ताव थे, वह अध्यापकों के आवश्यक प्रस्तावों में जिन लोगों का नाम था उनके कागज उस प्रस्ताव में से अभी हटाकर यह नए कागज जोड़े गए हुए हैं। हमारी जो टीम है उसने एक जो कागजों के सैंपल भी लिए गए हैं, जो पुराने कागज 2017 के कागज हैं और जो अभी हाल ही में जो नए उस प्रस्ताव में फाइलों में जो जोड़े गए कागज हैं, उनके भी हमने सैंपलिंग के लिए हमने हमारे यहाँ की जो नागपुर की जो क्राइम ब्रांच की जो लैब होती है उसमें हमने वो कागजों के कुछ सैंपल भिजवाए हैं, ताकि हम पता कर सके कि नए कागज कौन से हैं और पुराने कागज कौन से हैं। यह एक बहुत बड़ा एक स्कैम है और एक चर्चा का भी विषय है। जैसा कि अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ यह मानवता विद्यालय है। यह मानवता विद्यालय की भी
पड़ताल हमने की है, जिसमें लगभग एक चौहान और एक नागपुरे ऐसे दो अध्यापकों को नियुक्त किया गया है। और यह जो दोनों अध्यापक है यह लगभग उस स्कूल में हाल ही में विराजित हुई है। इसकी भी हम आपको पूरी पड़ताल कर अभी आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप अभी जो कागज देख रहे हैं वो है शिक्षण विभाग की ओर से जो मानवता विद्यालय बोंडगांव देवी है उसको दिया गया हुआ है। यह दो नियुक्तियों का दो टीचरों का यह है। यह पूरा जो मामला है, यह पूरे मामले की जो पड़ताल है वह हम सिलसिलेवार करेंगे। फिलहाल दर्शकों वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ मानवता विद्यालय की पूरी जांच पड़ताल। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ।